नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यश कुमार मिस्टर ट्रू डील और मैन रियल एस्टेट के आपके अपने चैनल के ऊपर आज आपके लिए आ रहा है 4 BHK का हाउस जो कि हमारा रेडी टू मूव रहने वाला। पीछे आप देख सकते हो पूरे घर का जो एलिवेशन है सोवर एलिवेशन है। साथ के साथ लाइट कलर और लाइट कलर की टाइल्स यूज की गई है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है 4 BHK विद अटैच वॉशरूम रहने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मिलेगी मॉड्यूलर किचन। फिलहाल हम घर के अंदर एंटर होते हैं और जो घर की मेन एंट्रेंस के आगे स्ट्रीट है वो रहने वाली हमारी 35 फुट चौड़ी। साथ के साथ हमें 5 फुट का बर्म मिलेगा। यहाँ पर आपको पानी का कनेक्शन, सीवेज का कनेक्शन, सोसाइटी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ये थी हमारी कार की पार्किंग। फिलहाल जो ये घर आपका 10 से 15 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए ही रहने वाली है। इस साइड आता है हमारा वॉशिंग एरिया। यहाँ पर हम अपनी वॉशिंग मशीन लगाकर इजिली कपड़े धो सकते हैं या टू व्हीलर की पार्किंग भी इजिली हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो है घर के बाहर 35 फुट की वाइड रोड है, यहाँ पर आपको पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अभी इसका चलते हैं हम घर के अंदर। हमारा पहले लगा हुआ है जाली वाला दरवाजा। इसके अलावा आया था हमारा दूसरा डोर जो कि हमारा ये रहने वाला है, सेंट्रल लॉकिंग के साथ डोर रहने वाला है। ये सारा आया था हमारा हॉल का एरिया। जो हॉल है हमारा काफी खुला डुला हॉल है और 2x4 की पूरे जो हॉल के अंदर टाइल लगी हुई है। ये हमारी ऐसी है मॉड्यूलर किचन के अंदर जो अलमारी यूज होती है वो है, जो हमारी फुल टाइम बाद इस साइड पर आ जाएगी। मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हो काफी बढ़िया। फिलहाल थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर, पर क्या करें, लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है भी जैसी हमें बढ़िया 4 BHK का घर दिखाइए, हमें बढ़िया लोकेशन चाहिए और हाईवे से अप्रोचेबल चाहिए। ये लोकेशन उन सभी भाइयों के लिए है जिनको हाईवे के बिल्कुल नजदीक घर चाहिए। ये है कि हमारी मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन के अंदर आप देख सकते हैं हमारा सारा काम हो रखा है। यहाँ पर हमारा पत्थर लग रखा है, ऊपर जो है हमारी स्टोरेज स्पेस रेडी है। इसके अलावा जो है चिमनी के लिए कनेक्शन दे रखा है, गीजर के लिए कनेक्शन दे रखा है। साथ के साथ हमें यहाँ पर 2 टैप इस साइड और 2 टैप इस साइड मिल जाती है। यहाँ पर हमारा रहता है आरो का पॉइंट, इस साइड आ जाएगी हमारी फ्रिज की स्पेस। साथ के साथ अगर बात करें ओवन या माइक्रोवेव की स्पेस के लिए तो हमारा राइट हैंड साइड का कॉर्नर हम यूज कर सकते हैं ओवन के लिए या माइक्रोवेव के लिए। हमारे यहाँ पर यहाँ पर सिंक रहने वाली है जहां पर हम आराम से अपने जो है बर्तन धो सकते हैं। और जो दोनों हमारी ये सिंक रहने वाली एंटी नॉइज सिंक रहने वाली है। यहाँ पर किचन के अंदर 2x4 की अलग टाइप की थोड़ी सी टाइल यूज की गई है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऐसे लगता है अभी हम किचन के अंदर खड़े हैं। वो वाला पोर्शन है जो डिनिंग डाइनिंग एरिया या लिविंग एरिया का। इस साइड हमारा जो है प्रॉपर मॉडर्न किचन का एरिया है, स्पेशियस किचन है, काफी खुली डुली किचन है। किचन में हमें कंजेस्टेड महसूस नहीं होगी, छोटी छोटी नहीं लगेगी किचन, काफी वाइड लगेगी किचन, काफी बड़ी लगेगी किचन। साथ ही साथ हमारे यहाँ इस फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम, इस साइड आया था हमारा मास्टर बेडरूम। हम आपको दिखा देते हैं पहले मास्टर बेडरूम, देखिए ये आया था हमारा मास्टर बेडरूम की आप पीछे देख सकते हैं। वार्डरोब सब सारी हमारी फुल हाइटेड यहाँ पर वार्डरोब्स रहने वाली है। जो सनमाइके का कलर कॉम्बिनेशन है काफी डार्क और लाइट को मिक्स करके कॉम्बिनेशन चूज किया गया, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और ऊपर हमारी फॉल सीलिंग की हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। हमारी जो है यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर जो हमारी टाइल की हाइट रहने वाली है वो 8 फीट रहने वाली है। वेस्टर्न सीट आई पी है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर शावर का कनेक्शन, हॉट टैप का कनेक्शन, नॉर्मल वाटर टैप का कनेक्शन और साथ ही साथ फ्रेश टैप का वाटर कनेक्शन हमें तीन ही इस वॉशरूम में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर हमारे जो टाइल है, टाइल का कलर कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा और काफी प्रीमियम यूज किया गया है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दोनों जो हमारे रूम से वेंटिलेशन का एरिया अटैच्ड है। आपने क्या करना, इस प्रॉपर्टी के ऊपर विजिट करना है। इस साइड आया था हमारा दूसरा रूम, यहाँ पर भी जो है 2x4 की अलग टाइप की जो है टाइलें यूज की हुई है, अलग कॉम्बिनेशन यूज किया गया है टाइलों का। बाथरूम में जो हमारी रूम की टाइलों के साथ मिक्स मैच करती है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं। यहाँ पर हमें सेम तीनों ही टूटियों के कनेक्शन मिल जाते हैं, गीजर का कनेक्शन मिल जाता है, शावर का कनेक्शन मिल जाता है, वेस्टर्न सीट का पॉइंट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा इस रूम के साथ भी जो हमारा वॉशरूम है अटैच रहने वाला है, फुल हाइटेड वार्डरोब मिल जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन दोबारा से अलग कुछ करने की कोशिश की गई है, मतलब सारी जो प्रॉपर्टी में है सेम चीज या सेम कलर नहीं यूज किए गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। हर चीज को हम देखते हैं कुछ अलग कॉम्बिनेशन में ही आपको दिखते हैं। पीछे है हमारा वेंटिलेशन का एरिया, ये आप देख सकते हैं हमारा वेंटिलेशन का एरिया, इसको भी हम एज अपना वॉशिंग एरिया यूज कर सकते हैं। पीछे हमारा एक्स्ट्रा एरिया जहां से हमने पीछे को जाने के लिए रास्ता दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास रास्ता है पीछे स्कूटी के, जहां से हम डेली यहाँ पर वेंटिलेशन के उस साइड जा सकते हो, मतलब दूसरी गली में भी जा सकते हो। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर आपने कॉल करनी है, प्रॉपर्टी के ऊपर विजिट करना है। अभी चलते हैं हम अपनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी बनाई हुई है। जो यहाँ पर
पत्थर यूज किया गया है काफी अच्छा और डार्क कलर का यूज किया गया, अच्छा लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी है बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लग रही है। जो यहाँ पर रेलिंग यूज की है काफी हैवी और भारी लोहा यूज किया गया है रेलिंग के अंदर। यहाँ पर आई थी हमारी इन्वर्टर की स्पेस, हम यहाँ पर अपने फ्लोर का इन्वर्टर रख सकते हैं। साथ के साथ हम आ गए हैं ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर। आप पहले आपको थोड़ा सा ऊपर से नजारा दिखा देता हूँ घर का कैसे दिखता है। ये हमारा ऊपर का नजारा रहने वाला है। पीछे आप देखिए काफी अच्छे और सुंदर घर यहाँ पर बने हुए हैं। ये हमारी टॉप फ्लोर जाने के लिए, जो हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाने के लिए रास्ता, यहाँ पर स्टील की, यहाँ पर जो है लोहे की जो पौड़ियां दी गई हैं ऊपर जाने के लिए। ये वाली फ्लोर के ऊपर सारी के ऊपर हमारी जो दीवारें हैं फुली टाइलों से ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर सारी दीवारों के ऊपर बाहर एंड टू एंड टाइल लगा रखी है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए टाइलों का काफी अच्छा और काफी प्यारा लग रहा है। साथ ही साथ हमारे इस वाली फ्लोर के ऊपर यहाँ भी हमें एक और मॉडलर किचन देखने के लिए मिलती है, सेम जैसे नीचे बनी हुई है, 2x4 की टाइलें। यहाँ पर आपको चिमनी का कनेक्शन, ऊपर आपको गीजर का कनेक्शन और इस साइड आपको आर का कनेक्शन मिल जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना फ्रिज रखने के लिए इस साइड आया था, फ्रिज की स्पेस इस साइड आई है, सिंक की स्पेस सामने आती है। चार टैप दी गई है आरओ के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, गीजर के लिए और टूटी के पानी के लिए, मतलब एमसी का जो पानी सोसाइटी में आ रहा है उसके लिए भी। और यहाँ पर हमारी जो किचन से लेकर बाहर लिविंग रूम तक की स्पेस है सारी में डाउन सीलिंग दी हुई है, जो कि काफी प्यारी लग रही है। आप देख सकते हो जो है यहाँ पर कलर बिल्कुल प्योर व्हाइट रखा गया है। सारी में यहाँ पर हमारी कोप लाइट लगी हुई है जो कि अच्छी लग रही है। इस वाली फ्लोर के ऊपर भी हमारे दो मास्टर बेडरूम रहने वाले हैं, एक हमारा राइट हैंड साइड पे, एक हमारा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर। और आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमारा सेम जैसे नीचे वार्डरोब्स में काम किया हुआ है वैसे ऊपर किया हुआ है, जैसे नीचे वॉशरूम रेडी है वैसे ही ऊपर वॉशरूम रेडी है। यहाँ पर हमारे जो टाइलों का कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, वार्डरोब का कलर कॉम्बिनेशन है, या 2x4 की नीचे वाली टाइल है इसका कलर कॉम्बिनेशन है, काफी प्यारा लग रहा है और काफी सुपर लग रहा है। यहाँ पर हमें फॉल सीलिंग मिल जाती है सारी ही प्रॉपर्टी में, ग्राउंड फ्लोर पर सारी प्रॉपर्टी में, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारे ही कमरों में, सारे ही हॉल में, दोनों ही किचन में और दोनों ही लिविंग एरिया के अंदर आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी के अंदर कंजूसी नहीं की घर बनाने के लिए। और आप लोगों को इधर वाला रूम दिखा देता हूं। इस वाले रूम में हमारी जो टाइलें लगी हुई है 2x2 की टाइलें लगी हुई है। साथ के साथ यहाँ पर हमारा ये वाला रूम भी वेंटिलेशन एक ऐसे टाइप का दूसरे वाला भी था। इस रूम का आप वॉशरूम देख सकते हो काफी अच्छा है और काफी सोबर है। साथ के साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर वॉशरूम के अंदर टाइलें लगी हुई मिलती है काफी अच्छी लग रही है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर क्या था फुल हाइटेड वॉर्डरोब्स आ जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर चार कमरे हैं, चारों का जो साइज है काफी अच्छा है, क्वीन साइज या क्वीन साइज हमारे बड़े बेड आराम से यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 फुट एरिया बच जाता है। अभी आपको दिखा देते हैं ऊपर से हमारा वेंटिलेशन एरिया, जहाँ पर हम अपने कपड़े डाल सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारा देखिए ऊपर वाले एरिया का वेंटिलेशन आ गया, बिल्कुल फ्रेश प्रॉपर्टी है, बिल्कुल क्लीन प्रॉपर्टी है। मैच डोर चारों ही जगह पर लगे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक वॉलडोर चारों ही कमरों में बने हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैच डोर आपने देखा हमारी नीचे वाली फ्लोर पे भी सारे पे लगे हुए थे, ऊपर वाली फ्लोर पे भी सारे पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा ये जो मेरी प्रॉपर्टी है बिल्कुल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लोकेशन इसकी डेरावसी रहने वाली है, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है, 2 मंजिल बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है, मॉडलर किचन है और बड़े सारा हॉल है। वही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा जो लिविंग एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कवर्ड एरिया रखा गया है 75-80% फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया रखा गया है, नीचे हमारा 95% कवर्ड एरिया है। और साथ ही साथ हमारी जो ऊपर भी मॉडलर किचन है, ऊपर भी 2 वॉशरूम के साथ दोनों अटैच हमारे रूम्स रहने वाले हैं, वेंटिलेशन एरिया नीचे भी है ऊपर भी है। और इस वाली पोडियो से हम अपनी टॉप फ्लोर पर आराम से जा सकते हैं। ये जो हमारी फैमिली के लिए अच्छी प्रॉपर्टी रहने वाली है, अगर आप अभी इसी टाइम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं और खुली डुली आपको प्रॉपर्टी चाहिए, 112 गज के अंदर हमारा ये मकान रहने वाला है और इस मकान के अंदर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, पार्किंग एरिया से लेकर स्ट्रीट लाइट से लेकर आपको यहाँ पर सीवरेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। जो इस घर का नक्शा अप्रूव्ड है आपने इमीडिएट विजिट करना है, 9780810090 पर कॉल करना ना भूलें। और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ इसी तरह इन्वेंटरी ढूंढ कर लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद, जय श्री राम, मुझे यहाँ तक देखने के लिए, मुझे यहाँ तक प्यार देने के लिए। आप सभी लोगों को नव वर्ष की 2024 की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मिस्टर ट्रू डील की टीम की तरफ से। धन्यवाद।